दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां शहर के जानकी पार्क मार्ग में सड़क पर व्यापार करने की होड़ लगी हुई है। जगह जगह पर सड़कों पर दुकानें सजी हैं, जिसके चलते हर समय यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग में इतना जाम लगता है कि पैदल चलना भी आसान नहीं होता, तो दो पहिया में निकलने में क्या हाल होता होगा आप खुद समझ सकते हैं। सब्जी मंडी होने के चलते इस मार्ग में लोगों का आना जाना बना रहता है, जो अक्सर जाम में फंसे रहते हैं। प्रकाश चौराहा से गुड़हई बाजार को जोड़ने वाले जानकी पार्क मार्ग में यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो ये भी आसान नहीं है। इस मार्ग पर सड़क पर व्यापार की ऐसी होड़ रहती है कि पूरा रास्ता ठेलों, ऑटो और दुकानों से भरा रहता है। शहर की मुख्य सब्जी मंडी होने की वजह से यहाँ आवाजाही भी अधिक है, और ऐसे में इस मार्ग में व्याप्त अव्यवस्था से लोग काफी परेशान होते हैं। इस मार्ग में सुबह से ही जाम शुरू हो जाता है। सड़क पर सुबह होते ही सब्जियों की दुकानें सज जाती हैं। उधर मंडी के अंदर जो सब्जी के विक्रेता हैं, उनका सामान भी सुबह से ही ऑटो आदि में पहुंचने लगता है। यह क्रम यहां बराबर बना रहता है। इस तंग गलियों में भी ऑटो की धमाचौकड़ी दिन भर बनी रहती है, जिससे जाम और लगता है। जानकी पार्क का एरिया है सब्जी मंडी, यहाँ ठेले वाले बड़ा परेशान किए हुए हैं, दिन भर लगाए रहते हैं, कुछ सुनते नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही है? क्या दिक्कतें हो रही? भाई जनता को चलने में तकलीफ होती है, हम लोगों के दुकान के सामने लगा देते हैं ठेले वाले, कुछ मानते नहीं है। व्यापार भी कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रभावित होता है, भीड़ लगती है, उसके कारण जेब कट जाते हैं लोगों के। अगर ठेले वाले ना लगें तो जेब ना कटेगी आम जनता का। किसकी शिकायत की है आपने? हम लोग पहले शिकायत कर चुके हैं नगर निगम में, आज से एक साल पहले करीब, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं उसके बारे में। जब आते हैं नगर निगम वाले तो ठेले वाले चले जाते हैं, ठेले वाले निकल जाते हैं, उसके बाद फिर से वो आ जाते हैं नगर निगम वालों के जाने के बाद। गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं? गाड़ियाँ तो सब्जी वाले लगा देते हैं, अगर पार्किंग में लगा दें, यही बगल में पार्किंग है गांधी कॉम्प्लेक्स में, तो सबके लिए सही हो जाए। दुकानदारों को पुराना हो गया मार्केट? ये 70 साल पुराना मार्केट है। क्या नाम है? अशोक शिवानी। दिक्कतें भैया अब ये ठेले वालों की हैं, ठेले वाले अगर यहाँ से स्थायी हो जाएंगे और प्रशासन अगर इनको व्यवस्थित कर देगा तो इससे कोई अच्छी बात नहीं है। ये चालू मार्केट है, रोड थोड़े सकरे हैं, यहाँ वैसे भी थोड़ा गाड़ी वाड़ियों की खड़ी करने की समस्याएं बनी रहती हैं। अगर ठेले वगैरह हट जाते हैं तो हम लोगों को गाड़ी और ग्राहक को खड़ी करने में सुविधा होगी, उनको सामान खरीदने में सुविधा होगी। पीछे पार्किंग बनी हुई है, वहाँ खड़ी करके आराम से ठेले वालों को व्यवस्थित कर दें। हमारे लिए ये समस्या बहुत जटिल है और प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उनको सेटल करें, जिसमें हमारी समस्याओं का हल हो सके। प्रशासन कभी आते हैं? प्रशासन भैया 1-1.5 महीने से तो अभी नहीं आया है, पर बीच बीच में आते हैं तो सुविधा बन जाती है। मैंने मुख्य कारण जानकी पार्क एरिया क्षेत्र में पहले से ही सब्जी मंडी पहले लगी लगती थी वहाँ पर, और वर्तमान भी छोटी सब्जी मंडी वहाँ लग रही है। इस कारण जरूर वहाँ पर जो ठेले वाले हैं सब्जी लेने और वहाँ से ठेला सब्जी लेके मैंने आबादी एरिया में जाके वो सेल करते हैं, इस कारण जाम रहता है। लेकिन नगर निगम समय समय पर इन सबको हटाने की कार्रवाई बराबर करता रहता है ताकि आवागमन कोई बाधित न हो।